हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 14 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय टू विजिट इंडिया ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। पश्चिमी तट पर भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो वो आपका थे ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को अल्मेडा। तो 1505 के अंदर इन्हें अपॉइंट किया गया था फर्स्ट गवर्नर एंड वायसराय ऑफ द पोर्चुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। तो इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये पोर्चुगीज हेजिमोनी यानी कि संप्रभुता इनको एस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन ओशियन में, क्योंकि ये जीते थे ये नेवल बैटल ड्यू का इन 1509। तो ये डेट्स भी आप याद रखेंगे कि कब इन्हें अपॉइंट किया गया था। तो ये था 1505 और बैटल ऑफ ड्यू कब जीता था 1509। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट अशोकास पिलर टू दिल्ली। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। जो ये अशोकन पिलर एडिक्ट हैं, इन्हें अपनी ओरिजिनल साइट्स मेरठ और अंबाला से लाया गया था फिरोजाबाद में फिरोज शाह तुगलक के रेन के अंदर, ठीक है। और ये इंस्क्रिप्शंस प्रकृत लैंग्वेज के अंदर हैं जो कि उस टाइम की आम बोलचाल की भाषा थी। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये लोगों को मोरल्स और आइडियल्स ये बताए गए हैं सिविलाइज्ड लिविंग के लिए, ताकि ये जो इतना बड़ा एम्पायर था उसके लोग आपस में पीस और हारमोनी में रह सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज फाउंड टू बी ट्रू। दिल्ली सल्तनत के पतन के विषय में कौन सा कथन सही है? द सल्तनत बिकेम टू वास्ट एंड कुड नॉट बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। सल्तनत काफी बड़ा हो गया था तथा इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सका। द नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज टू 180,000 मतलब 1,80,000 इन फिरोज शाह टाइम विच वॉज बर्डन ऑन द ट्रेजरी। फिरोज शाह के समय गुलामों की संख्या 1,80,000 से अधिक हो गई जो राजकोष पर बोझ बन गए थे। तीसरा, थर्ड, डेस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स दैट डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। तानाशाही तथा सैन्य प्रकार की सरकारें जिनमें जनता का विश्वास नहीं था। या डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। विच वॉज द रीजन अंडर मुस्लिम रूल प्रायर टू द गौरियन कॉन्क्वेस्ट। गौरी शासकों के विजय से पहले कौन सा क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन था? तो वो आपको ध्यान होगा, वो आपका था सिंध, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया था 712 AD में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान है, ये सबसे पहला ये फिर बना था रीजन जो कि मुस्लिम कंट्रोल में आ गया था। ये बैटल कौन सा था? बैटल ऑफ रेवाड, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को क्या बोला था? सिटी ऑफ गोल्ड। द डायलैक्ट फ्रॉम विच बोथ हिंदी एंड उर्दू हैव अराइजन इज। वह बोली जिससे हिंदी और उर्दू दोनों की उत्पत्ति हुई है वह कौन सी है? तो वो है आपकी खड़ी बोली। खड़ी बोली अपने ये जो गंगा यमुना दुआब और ये दिल्ली के एडजेसेंट एरियाज के अंदर यहाँ पे ये ओरिजिनेट हुई थी। और अमीर खुसरो को कहा जाता है ये खड़ी बोली के पहले कवि थे। तो ये भी आप ध्यान रखना इस फैक्ट को भी। द मोदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द। मोदी लिपि का प्रयोग किसके दस्तावेजों में किया जाता था? तो वो आपका किया जाता था मराठा के। ये बेसिकली ये मेंटेन किस काम के लिए की जाती थी यूज़ की? रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए ये बेसिकली यूज लेते थे मराठा इसको। कालानौर इज नोन एज अ प्लेस ऑफ। कालानौर को किस स्थान के नाम से जाना था, किस चीज के लिए जाना जाता है एक्चुअली? तो आपको जाना जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ अकबर एज द एम्परर, सम्राट के रूप में अकबर की घोषणा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको ध्यान है 13 साल की उम्र के अंदर अकबर को सम्राट बना दिया गया था। ये प्रोक्लेम किया था बैरम खान ने कि ही वॉज शहनशाह। शहनशाह मतलब किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा। और जब तक अकबर की उम्र नहीं होगी गद्दी संभालने वाली, तो तब तक बैरम खान ने रीजेंट का काम किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नवाब वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध इज नॉट करेक्ट। अवध के अंतिम नवाब नवाब वाजिद अली शाह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न उर्दू स्टेज, उन्हें आधुनिक उर्दू चरण का जनक माना जाता है। बी,
द प्रोलोंग्ड पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग हिज रूल रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ अ डिस्टिंक्ट लखनऊ कल्चर अराउंड द अवध कोर्ट. उनके शासन में दीर्घकालीन शांति तथा समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई. ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड डांस. वह भारतीय संगीत तथा नृत्य के महान संरक्षक थे. ही हैड गुड कमांड ओवर पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेजेस एंड रोट सेवरल बुक्स. उनकी फारसी तथा उर्दू भाषा पर अच्छी पकड़ थी तथा उन्होंने कई किताबें लिखी. तो ये सारे सही हैं एक्सेप्ट आपका ऑप्शन नंबर बी. ये बेसिकली ये जो थे वाजिद अली शाह, ये अपने 10th और लास्ट नवाब थे अवध के, और ये लगभग 9 साल इनका रेन चला था. लेकिन जो ब्रिटिश थे इन्होंने इनकी टेरिटरी को हड़प लिया अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने शायद यूज़ दिया होगा, बट एक्सक्यूज़ क्या दिया कि इंटरनल मिसरूल है, इस वजह से इन्होंने ले लिया. जस्ट 2 दिन पहले इनकी जो 9th एनिवर्सरी ऑफ हिज कॉरोनेशन, उनसे 2 दिन पहले ही इनको, इनसे ये साम्राज्य इन्होंने हड़प लिया और इनको एग्जाइल में भेज दिया कोलकाता में. हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इफ बाय वर्शिपिंग स्टोन्स वन कैन फाइंड गॉड, आई शैल वर्शिप अ माउंटेन. ये कथन किसका है? यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा. तो नो डाउट ये आपके कबीर जी के ही कहे हुए हैं. कबीर जी अपने सबको पता है सभी आडंबरों के खिलाफ थे, चाहे वो हो ये जोर से ये नमाज बोलना, चाहे हो ये मूर्ति पूजा करना, ये सभी चीज़ों के खिलाफ रहे. सभी धार्मिक ये जो भी ये रीति रिवाज थे उनके खिलाफ इन्होंने बोला. तो इसका आंसर आपका है कबीर जी. ओके. द ऑफिशियल एसोसिएटेड विद लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन द मेडिवल इंडिया वॉस. मध्यकालीन भारत में मराठा साम्राज्य में कौन सा अधिकारी भू राजस्व के संग्रह से संबंधित होता था? तो वो आपका होता था पटेल या पाटिल, दोनों में से कोई भी, पटेल भी आ सकता है या स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकता है वो एग्जामिनर आपकी. तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे. तो जो विलेज हेडमैन था उसको पाटिल कहते थे, और द सेकंड ऑफिसर होता था वो कुलकर्णी कहलाता था. ठीक है. और इसको कुलकर्णी को अपने ग्राम लेखक भी कह देते थे. जो शिलेदार होता था ये यूज लिया जाता था टर्म एक सोल्जर के लिए जिसके पास खुद की तलवार और खुद का घोड़ा होता था, जो कि फिर वो एक्टिव कॉम्बैट या वॉर में पार्ट ले सके. और मीरासदार जो होते थे वो ऑनर होते थे लैंड के अकॉर्डिंग टू मीरासी राइट्स. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफगान रूलर्स टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली. दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ए बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी. ये तो पहला ही सही हो गया आपका, इन्होंने फाउंड की थी. बाद में ये इनके सबसे मेन रूलर हुए सिकंदर लोदी, और इब्राहिम लोदी आपके फाइनल रूलर हु वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया. Which of the following tombs is placed in the center of a large garden and resembles as a prototype of the Taj Mahal? निम्न में से कौन सा मकबरा एक विशाल उद्यान के बीच में है तथा ताजमहल की प्रतिकृति के जैसा दिखता है? तो ये कल भी इसके बारे में थोड़ा जिक्र मैंने किया था. ये था हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में उसका. त्यागराज ऑफ 18th सेंचुरी वॉज. 18वीं सदी की ये त्यागराज कौन थे? द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन हु कंपोज्ड हिज सॉन्ग्स इन तेलुगु. महानतम संगीतकार जिन्होंने तेलुगु में गीतों की रचना की. द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ तमिल. तमिल के महानतम नाटक लेखक. द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट. महानतम संस्कृत कवि. या डी द ग्रेटेस्ट कथक डांसर. महानतम कथक नर्तक. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन हु कंपोज्ड हिज सॉन्ग्स इन तेलुगु. ये कार्नेटिक म्यूजिक के ये कंपोजर थे. कार्नेटिक म्यूजिक एक तरह का इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है. और त्यागराज के साथ इनके दो कंटेम्प्रेरीज श्याम शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितार जो हैं, इन्हें कहा जाता है ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक. ये तीनों नाम आप याद रखेंगे कौन कौन से. एक तो है आपके त्यागराज, दूसरा है श्याम शास्त्री, और तीसरा है मुत्तुस्वामी दीक्षितार.
ये तीनों नाम आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन आए, हुआ रिगार्डेड एज ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, त्रिदेव जो कार्नेटिक म्यूजिक के किन्हें कहा जाता है, तो इन तीनों का कहा जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक से एक और नाम एसोसिएटेड है, काफी पॉपुलर नेम है, वो है MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी कार्नेटिक म्यूजिशियन थी और इन्होंने 1966 में UN जनरल असेंबली के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दी थी, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गिव हर परफॉर्मेंस इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सॉरी फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये ध्यान रखिएगा, मैं इंडियन खाली बोलेगा था, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गिव हर परफॉर्मेंस इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैड एबॉलिश्ड द टैक्स ऑन ग्रेन ऑल्सो कॉल्ड ज़कात ऑन ग्रेन। तो दिल्ली के निम्न में से किस सुल्तान ने अनाज पर लगने वाले कर, जिसे अनाज पर ज़कात भी कहा जाता था, को समाप्त कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये बी, सिकंदर लोदी। तो हुआ यूं कि एक बार क्या हुआ कि ये जो मेज है उसकी शॉर्टेज हो गई, तो इस शॉर्टेज को देखते हुए इन्होंने क्या ग्रेन के ऊपर, पूरे अनाज के ऊपर ही ज़कात को ख़त्म कर दिया, और ये फिर दोबारा किसी भी सुल्तान ने दिल्ली में नहीं लगाया ज़कात उसके बारे में, उसके बाद में अनाज के ऊपर। ठीक है, औरंगजेब अटैक्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा बिकॉज, औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा पे आक्रमण किया क्योंकि ए बीजापुर एंड गोलकोंडा वर सपोर्टिंग मराठास, बीजापुर तथा गोलकोंडा मराठों का समर्थन में थे। औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी एंड द रूलर्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा वर शिया मुस्लिम्स, औरंगजेब एक रूढ़िवादी सुन्नी था तथा बीजापुर और गोलकोंडा के शासक शिया मुसलमान थे। सी ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड टू कंसोलिडेट हिज सुप्रीमेसी, औरंगजेब की विस्तारवादी तथा खुद को मजबूत करने की नीति के कारण। या डी रूलर ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा वर वीक एंड सच इट ऑफर्ड इजी टेक ओवर, बीजापुर तथा गोलकोंडा के शासक कमजोर थे तथा उनका राज्य हरण आसान था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड टू कंसोलिडेट हिज सुप्रीमेसी। इन शिवाजीज अष्टप्रधान हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स लुक्ड आफ्टर द फॉरेन अफेयर्स, शिवाजी के अष्ट प्रधानों में विदेशी मामलों को निम्न में से कौन सा अधिकारी देखता था? तो वो आपका था ऑप्शन नंबर बी सुमंत। तो शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे वो कौन कौन से थे? एक तो था पंत प्रधान या पेशवा जो कि होता था प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अमत्य या मजूमदार जो होता था वो होता था फाइनेंस मिनिस्टर, शुरनावीस या सचिव जो होता था सेक्रेटरी, वकियानवीस इंटीरियर मिनिस्टर, सरे नबूत या सेनापति कमांडर इन चीफ होता था, सुमंत या दबीर फॉरेन मिनिस्टर होता था, न्यायाधीश आपका चीफ जस्टिस होता था, और पंडित राव होता था हाई प्रीस्ट। ठीक है, तो ये इनके अष्ट प्रधान होते थे, इन्हें आप याद रखेंगे सबको। व्हाट डज अमीर खुसरो डिस्क्राइब इन हिज वर्क मिफ्ता उल फतु, अमीर खुसरो ने अपनी कृति मिफ्ता उल फतु में किसका वर्णन किया है? तो इसमें इन्होंने वर्णन किया है द मिलिट्री एक्सपेडिशंस ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। ये जो भी मैंने ये आए थे ये अमीर खुसरो के वर्क्स, इनका शायद पिछले या इससे पिछले वीडियो के अंदर मैंने कराया था, तो उनके बारे में अगर आपको याद नहीं हुआ अब तक तो आप वो पिछले वीडियोस देख सकते हैं और याद कर सकते हैं अमीर खुसरो के वर्क्स के बारे में। ओके, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको उनके वर्क्स के बारे में, बार बार एक बार मैं बता चुका हूँ। द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क कैंपेन वॉज टू, शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था ए फिक्स द मुगल फ्रंटियर ऑन साइंटिफिक लाइन द अमू दरिया, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमू दरिया से निर्धारित करना, एक्सपैंड द मुगल एम्पायर बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप से बाहर विस्तार करना, कॉन्कर समरकंद एंड फरगाना द मुगल होमलैंड, मुगलों की मातृभूमि समरकंद तथा फरगाना पर विजय प्राप्त करना, या डी सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बलाक एंड बदख्शान विच बॉर्डर काबुल, काबुल की सीमा से सटे बलक तथा बदख्शां में एक मित्र शासक लाना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है डी सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदख्शां विच बॉर्डर काबुल।
तो क्या था ये, फरवरी 1646 में शाहजहां ने डिस्पैच की आर्मी ऑफ 60,000 सोल्जर्स टू काबुल, और उसके बाद बदख्शां और बल्ख के अंदर अपने बेटे मुराद बख्श को एज अ कमांडर इन चीफ भेज के। ठीक है, ये सपोर्ट किसको सपोर्ट करने के लिए किया था, ये किया था नजर महमूद और उसके बेटे अब्द अल अजीज को अगेंस्ट एक तोकाई तिमुरिड रूलर ऑफ बल्ख। लेकिन क्या हुआ, इस लड़ाई के बाद नजर महमूद और अब्द अल अजीज ने इनको बिट्रे कर दिया और ये फिर इस्फान में ये चले गए, भाग गए। और इस कैंपेन में मुगल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इनके बहुत ज्यादा पैसे लगे, आई गेस 20 मिलियन रुपीज उस टाइम में इनके लगे थे। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन हुज ड्यूटी वॉज इट टू सी दैट पीपल लिव्ड देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद द शरिया। औरंगजेब के शासनकाल में ये देखना किसका कार्य था कि लोग अपना जीवन शरिया के अनुसार जीते हैं या नहीं, तो वो था आपके ऑप्शन नंबर ए, मुतसबीस। तो मुतसबीस वो क्या था, ये सुपरवाइजर था ये बाजार और ट्रेड का इन मेडिवल इस्लामिक कंट्रीज। इसका ये ड्यूटी थी इंश्योर करना, देखना कि सारा काम शरिया के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। अच्छा, बाकी जो ऑप्शंस थे ये आदि क्या होते थे, तो ये मुगल एम्परर से एक छोटी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते थे, और ये आर्मी ये एम्परर की खुद की ट्रूप होती थी, अहादी इन्हें कहा जाता था, और ये डायरेक्टली एम्परर खुद रिक्रूट करता था, मेनली फॉर एम्परर के ब्लड रिलेटिव्स और ट्राइब्समैन थे उनके लिए। और वालासुहीस जो थे ये रॉयल बॉडीगार्ड्स होते थे, और मनसबदार कौन होते थे, ये इंडिविजुअल्स होते थे जो कि एक मनसब यानी कि एक पोजिशन या रैंक जो होल्ड करते थे। ये ग्रेडिंग सिस्टम था मुगल्स का, तो जिससे कि ये रैंक, सैलरी और मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये फिक्स कर सकते थे। ठीक है, तो मनसबदार को ये मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती थी। मनसबदारी सिस्टम अकबर ने स्टार्ट किया था। इन द इस्लामिक बिल्डिंग्स दैट वर बिल्ट इन इंडिया द एलिमेंट्स ऑफ डेकोरेशन डिड नॉट इंक्लूड, भारत में बनाए गए इस्लामिक भवनों की सजावट में किसे शामिल नहीं किया जाता था, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेपिक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीव प्राणियों का चित्रण। भाई इस्लामिक अगर पेंटिंग्स हैं तो उसके अंदर आप किसी भी इंसान का चित्रण तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस्लाम के अंदर बैंड है। आपको तो पैगंबर मोहम्मद जो हैं उनकी भी कोई पेंटिंग, कोई भी चित्र नहीं मिलेगा, तो क्योंकि ये इस्लाम के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, इसलिए ये इस्लामिक जो भी ये बिल्डिंग्स थी उसके अंदर जो भी ये डेकोरेशन होता था उसके अंदर ये लिविंग बीइंग्स को, ह्यूमन बीइंग्स को डेपिक्ट नहीं किया जाता था, लिविंग बीइंग्स को। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द दिल्ली सुल्तान वैन विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड। जब विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी तब दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। कृष्ण देव राय वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर वैन बाबर टुक ओवर इब्राहिम लोदी। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था तब कृष्ण देव राय विजयनगर के शासक थे। राम राय वॉज डिफिटेड एट तालीकोटा वैन जहांगीर वॉज द एम्परर इन दिल्ली। जब राम राय तालीकोटा में पराजित हुए तब दिल्ली में जहांगीर का शासन था। तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस टाइम आपका एम्परर जहांगीर नहीं था, इस टाइम आपका एम्परर था अकबर, ये ध्यान रखिएगा, जहांगीर नहीं अकबर था। तो आपका फिर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सही हैं। एमंग द फॉलोइंग हु वॉज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट, निम्न से कौन भक्ति संप्रदाय का समर्थक नहीं था, तो वो आपके हैं नागार्जुना, ये नागार्जुना वॉज अ बुद्धिस्ट सेंट, बुद्धिस्ट मंक, और इन्होंने कौन सी बुकिंग को एट्रीब्यूट की जाती है, मिलिंद पानो, ध्यान है ना, ये मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री में करवाया भी था। और जो वो बाकी ऑप्शंस थे, एक बार जो तुकाराम और के बारे में अपने मैं पढ़ा चुका हूँ, त्यागराज के बारे में अपने इसी वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये जो भी आचार्य हुए हैं, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य, निम्काचार्य, इन सभी आचार्य और इनके जो भी ये दर्शन जो इन्होंने दिए उनके बारे में शायद मैं कोई मिसलेनियस वीडियो अगर आगे बनाऊं तो उसके अंदर मैं कवर कर लूंगा, पर मैं कवर और जरूर कर लूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। ओके, द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग्स टू द, प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी का संबंध किससे है, तो बनी ठनी का संबंध आपके है किशनगढ़ स्कूल से, किशनगढ़ शैली से। ठीक है,
बनी ठनी कौन थी? सिंगर और पोएट थी किशनगढ़ के अंदर एट द टाइम ऑफ राजा समन सिंह, और ये बाद में इनकी मिस्ट्रेस भी बन गई। तो बनी ठनी की पेंटिंग के अंदर क्या डेपिक्ट किया गया है बनी ठनी को कैसे? तो इनको डेपिक्ट बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल फीचर्स के साथ, बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज्ड फीचर्स थे, जैसे कि चढ़ी इनकी आईब्रोज, आर्च्ड यूं आईब्रोज हैं इनकी, और लोटस जैसी, ये कमल जैसी सी इनके लंबी लंबी आंखें, और बहुत तीखी सी इनकी चिन्ह दिखाई गई है। ये नोटेबल है किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर ये सारा होता है, ये सारे सारे फीचर्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर कम टू एन एंड? अहमदनगर के निजाम शाहियों का वंश कैसे समाप्त हो गया? फतेह खान असर्प्ड द थ्रोन फ्रॉम निजाम उल मुल्क, फतेह खान ने निजाम उल मुल्क से गद्दी हड़प ली। मुगल ट्रूप्स डिस्ट्रॉयड दौलताबाद फोर्ट एंड किल्ड निजाम उल मुल्क ऑफ अहमदनगर, मुगल सैनिकों ने दौलताबाद किले को नष्ट कर दिया तथा अहमदनगर के निजाम उल मुल्क को मार दिया। मलिक अंबर वॉज डिफीटेड इन द बैटल विद मुगल्स इन 1631 एंड द एंटायर रॉयल फैमिली वॉज किल्ड बाय द मुगल ट्रूप्स। मुगलों के साथ 1631 की लड़ाई में मलिक अंबर की हार हो गई तथा समूचा शाही परिवार मुगल सैनिकों के हाथों मारा गया। अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड इन टू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वॉज कंसाइन टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा हुसैन शाह को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड इन टू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वॉज कंसाइन टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। मलिक अहमद द बहमानी गवर्नर ऑफ जुनार आफ्टर डिफीटिंग द बहमानी आर्मी लेड बाय जनरल जहांगीर खान ऑन 28 मई 1490 डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिश द निजाम शाही डायनेस्टी रूल ओवर द सल्तनत ऑफ अहमदनगर। और इन 1636 औरंगजेब द देन मुगल वायसराय ऑफ डेक्कन फाइनली एनेक्स्ड द सल्तनत टू द मुगल एम्पायर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? द डिवाइनाइजेशन ऑफ कृष्णा हैपेंड इन 9th century AD, कृष्ण का दिव्यकरण 9वीं सदी ईस्वी में हुआ, द पोएट्री ऑफ नैनार्स एंड ऑफ द अलवर्स 15th century to 17th century AD में चला, अलवर के गलत ट्रांसलेशन, अलवर और नैनारों का काव्य 15वीं सदी से 17वीं सदी ईस्वी में चला, द स्प्रेड ऑफ द कल्ट ऑफ रामा इन द नॉर्थ अर्ली 7th century AD। तो उत्तर भारत में राम के संप्रदाय का प्रसार, भगवान राम के संप्रदाय का प्रसार 7वीं सदी के आरंभ में हुआ या उपरोक्त सभी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अब नैनार आपको ध्यान है कौन होते थे? ये आपके होते थे भगवान शिव जो हैं उनके भक्त शिव जी के, और अलवर होते थे भगवान विष्णु के भक्त। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, नैनार भगवान शिव के और अलवर आपके भगवान विष्णु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री कमांडर्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वर नॉन एज, अकबर के समय में सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था फौजदार के रूप में। ठीक है, फौजदार जो टाइटल था ये मुगल और अदर मुस्लिम जो रूलर्स थे साउथ एशिया में उनको, ये गैरिसन कमांडर्स को, छावनी के कमांडर्स को ये देते थे। लेकिन प्री मुगल टाइम्स के अंदर ये रैंक, ये मिलिट्री ऑफिसर होता था पर उसकी स्पेसिफिक रैंक फिक्स नहीं होती थी, इसको सिस्टमाइज अकबर ने आके किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ राजस्थान छत्रीज सीनोटैप्स वर बिल्ट इन ऑनर ऑफ जैमल एंड कल्ला हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द 1568 सीज बाय एम्परर अकबर। जैमल और कल्ला के सम्मान में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले में क्षत्रिय स्मारक बने हैं जिन्हें जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर के विरुद्ध अपनी जान की बाजी लगाई थी? क्षत्रिय नहीं था ये, छत्री है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है, सीनोटैप्स क्या होते हैं? देखिए
एक तो आपकी हो गई टूम या कोई मकबरा या कोई भी आपकी, तो वहां पे तो क्या आपकी एक्चुअल डेड बॉडी होती है, लेकिन कोई भी अगर युद्ध में मारा है अब उसकी डेड बॉडी तो आपके पास है नहीं, मान लीजिए युद्ध में मारा गया वो दफन कहीं और ये मान लीजिए है, तो उसका अगर स्मारक बनाते हैं तो वो आपका सीनोटाइप होता है। सीनोटाइप में आपके एक्चुअल बॉडी नहीं होती उस पर्सन की, ठीक है? तो ये मेन डिफरेंस होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजिटर्स अपने दो छतरी देख सकते हैं जिन्हें कि जमीला और कल्ला जो इनके ऑनर में बनाया गया, क्योंकि इन्होंने अपनी जान दी एम्परर जो अकबर है उनके खिलाफ लड़ते हुए। और मेन गेट जो फोर्ट का है उसे कहा जाता है सूरजपोल यानी कि सन गेट, ठीक है? और चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये मेवाड़ की कैपिटल थी और ये प्रेजेंट डे चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है? द लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामा वॉस, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे आपके रामानंद। रामानंद कौन थे? कबीर के गुरु, ठीक है? ये चीज भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, कबीर के गुरु कौन थे? वो थे रामानंद, ठीक है? तो रामानंद के बारे में बता दिया। नामदेव इंडियन पॉइंट और सेंट थे जो कि जिन्होंने कि सिग्निफिकेंट टू द वर्कारी सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है? ये वर्कारी सेक्ट को बिलोंग करते थे हिंदुइज्म के। और जयदेव थे अपने सबको पता है, इन्होंने गीत गोविंद लिखी थी जो कि भगवान शिव के सॉरी भगवान कृष्ण के जो था जो गोपियों के साथ जो प्रेम लीला थी खासतौर पर राधा उनके साथ में, उनका जिक्र वर्णन इसके अंदर होता है गीत गोविंद के अंदर। और स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी जानते हैं, नेशनल यूथ डे भी इनके ऑनर में मनाया जाता है। इनका असली नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर, ये भी आप याद रखिएगा। द टर्म्स जाट एंड सवार आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स? जाट और सवार, सावर शब्द निम्नलिखित प्रशासनिक प्रणालियों में से किससे संबंधित है? तो वो है आपके मनसबदारी सिस्टम से, ठीक है? मनसबदारी सिस्टम जैसे मैंने बताया था अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये जो थे जात और सवार ये यूज होते थे, ये पैरामीटर्स थे किसी मनसबदार के लेवल को या उसकी रैंक को बताने के लिए, ठीक है? जात थी तो वो तो थी रैंक जो कि मनसबदार को दी जाती थी, और सवार वो थे जो कि कितने घुड़सवार उसके अंडर काम करते थे, कितने घुड़सवार को वो मेंटेन करता था, तो वो उसके होते थे सवार। विच मुगल एम्परर एबॉलिश्ड द ओल्ड कस्टम ऑफ सिजदा? किस मुगल सम्राट ने सिजदा की पुरानी प्रथा को खत्म किया था? तो वो आपके थे शाहजहां। द पीरियड बिटवीन विच ईयर टू विच ईयर इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड? भारतीय इतिहास में कब से कब तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी 1206 में, स्लेव डायनेस्टी आई थी और ये लोदी डायनेस्टी खत्म हुई थी, मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? और ये आपकी दिल्ली सल्तनत की 500 डायनेस्टीज, गुलाब खिले तो सांस लो, याद है ना? अब तक तो याद हो गया होगा आपको। आप ऐसा कीजिएगा, यहाँ तो नहीं दिया हुआ लेकिन आप जो भी ये सारी सारी डायनेस्टीज हैं इनका भी आप रेन पीरियड याद रखिएगा। इंडिविजुअल किंग्स के बारे में आपको नहीं जानना, पर ये आप याद रखिएगा ये डायनेस्टी कब से कब तक चली, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आगे आने वाले वीडियोज के अंदर मैं भी करा दूं मिसलेनियस वीडियोज के अंदर। चलिए मैं कवर कर लूंगा आगे वीडियोज के अंदर। विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफेंडिंग घर कटंग इन 1564? 1564 में गढ़ कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? तो वो आपकी थी रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर सी। तो रानी दुर्गावती ये थी रूलिंग क्वीन कहाँ की? गोंडवाना की, 1550 से लेके 1564 तक अपनी डेथ तक। एंड शी वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ चंदेल किंग कीरट राय, ठीक है? ये जानी किस लिए जाती हैं कि ये अपने गढ़ कटंग जो है उनको मुगल आर्मीज के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए 1564 में। 1564 में मुगल एम्परर कौन था? अकबर। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ?
पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में अपने चरम दक्षिण तक फैला हुआ था? तो ये मैंने कई बार बताया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये बहुत ही बढ़िया ये कॉन्करर थे। इन्होंने कई सारे बैटल्स लड़े और कई सारी ये टेरिटरीज को कॉन्कर किया, जैसे गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, डेक्कन। तो ये इन्होंने साथ ही साथ मंगोल्स को भी कई बार खदेड़ा, और इस इनके इन्वेजन से इनको समझ में आया कि इन्हें एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी अपनी मेंटेन रखनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले या इससे पिछले वीडियो के अंदर। विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडियन रूलर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेज ऑफ मिलिट्री, बलबन ने सेना के घोड़ों में दाग ब्रांडिंग की प्रणाली शुरू की। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये आपकी शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज तुगलक सेटअप सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, सही है, फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप अ सेपरेट अरीज डिपार्टमेंट, नहीं ये बलबन ने किया था, ये एक्सचेंज कर दिया लगता है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाई इज अंकल टू डेली थ्रोन, दिल्ली में गद्दी पे मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी उसका चाचा बना। नहीं, ये एक्चुअली में इसके मोहम्मद बिन तुगलक का नेफ्यू बना था, जो कि था फिरोज शाह तुगलक, ही वॉज हिज नेफ्यू। ये फिरोज शाह तुगलक का अंकल था मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका फिर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ये आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं जो मैंने अभी बताया था। द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन विच ईयर मार्क द एंड ऑफ तुगलक एम्पायर, किस ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत का चिन्हित किया? तो तैमूर लंग ने अटैक किया था 1398 में, ठीक है। तैमूर लंग ने जो नॉर्थ इंडिया को अटैक किया उस टाइम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है। और इनकी आर्मी कहलाती थी, तो आपकी एक इडियम है ना, एक कैच आ टाटार, और ज्यादा गैप हो गया बीच में, चलिए कोई बात नहीं। कैच आ टाटार जो आपकी ये इडियम है, ये कैसे बनी है? ये ऐसे ही बनी है टू कैच आ टाटार, की कोई फॉर्मिडेबल जो ओपोनेंट होता है उसको सामना आपको करना पड़ जाए, तो ये यहीं से ओरिजिनेट हुई है, टू फेस अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, उसको आप कहते हैं टू कैच अ टाटार। मणिकर्णिका तांबे इज बेटर नॉन एज नॉन इन हिस्ट्री एज, मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? तो ये अभी मूवी भी आई थी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, मणिकर्णिका, तो सभी जानते हैं, ठीक है। मणिकर्णिका तांबे, रानी लक्ष्मीबाई ये क्वीन ऑफ झांसी थी, इनको पता ही है झांसी से इन्होंने रेबिलियन स्टार्ट किया था, किस वजह से, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला ही पंगा था सारा, ठीक है। इनकी शादी हुई थी किंग ऑफ झांसी से राजा गंगाधर नेवलकर से इन 1842। द विजयनगर किंग हु एम्प्लॉयड स्किल्ड आर्चर्स ऑफ द टर्किश क्लैन एंड रेज द फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ बोमैन वॉज, विजयनगर का वह शासक कौन था जिसने तुर्क वंश के कुशल तीरंदाजों की भर्ती की थी तथा अपने निशानेबाजों की युद्ध क्षमता में इजाफा किया था? तो वो था आपके देवराय फर्स्ट। द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर, कुतुब मीनार का नाम किसके ऊपर रखा गया है? तो वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा, ये रखा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक सूफी सेंट थे और जो अपने मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनके ये सक्सेसर थे, और इनको ये कुतुबुद्दीन ऐबक काफी मानता था, तो इनके सम्मान में ये कुतुब मीनार इन्होंने बनानी शुरू की थी। वैन राजा वोदेयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की नींव रखी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था आपके वेंकट सेकंड। अवध नवाब सफदरजंग्स टूम्ब सेट इन द मिडिल ऑफ अ गार्डन वॉज बिल्ट बाय शुजा उद्दौला इन सफदरजंग में का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थित है, इसे शुजा उद्दौला ने कब बनवाया था? तो ये बनवाया कहाँ पर बनवाया था, सॉरी, तो ये बनवाया था दिल्ली में, आपका ऑप्शन नंबर सी। सफदरजंग की जो मकबरा है ये सैंडस्टोन और मार्बल का बना हुआ मकबरा है, इसको 1754 में बनवाया गया था और लेट मुगल एम्पायर के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बनाया गया था ये सफदरजंग के लिए।
ठीक है, सफदरजंग को नवाब बनाया गया था अवध या औध, ये औध अवध का पुराना नाम है, ठीक है। इसको फिर बनाया गया था नवाब ऑफ अहमद, और देन ही वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर जब अहमद शाह बहादुर ने गद्दी संभाली 1748 में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय अमीर खुसरो वॉस, अमीर खुसरो के द्वारा किस संगीत वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो आपका किया जाता था सितार का। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ गोवा फॉट, गोवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो गोवा का युद्ध लड़ा गया था 1510 में। 1509 के अंदर कौन सा लड़ा गया था, बैटल ऑफ ड्यू, बैटल ऑफ गोवा 1510 के अंदर लड़ा गया। तो क्या था, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने जब ये ड्यू के बाद विक्ट्री के बाद फिर इनको रिप्लेस कर दिया पोर्चुगल्स ने ओवरऑल कमांडर इन द इंडियन ओशियन, और किसको बना दिया, अल्बू कर्क को बना दिया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अल्मीडिया को रिप्लेस किसने किया था, वो किया था अल्बू कर्क ने। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ वगेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात आफ्टर हुज डिफीट द किंगडम वॉज पास टू अलाउद्दीन खिलजी, गुजरात के वगेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया, तो वो था आपका करण देव, ठीक है। तो अराउंड 1296 सारंगदेव वॉज सक्सीडेड बाय रामासन कर्णा, लेकिन 1299 के अंदर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अपनी आर्मी भेजी और फिर गुजरात के ऊपर कब्जा कर लिया। द ऑफस्प्रिंग ऑफ विच मुगल एम्परर वर बॉर्न इन सूफी कनका इंस्टेड ऑफ मुगल हराम, किस मुगल सम्राट की संतानों का जन्म मुगल हराम के स्थान पर एक सूफी खनका में हुआ था, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी अकबर, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ऑफस्प्रिंग वर्ड का कोई प्लूरल नहीं होता है, ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग ही होता है, ठीक है। जैसे कि स्पेसक्राफ्ट का या एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होता है, शीप का शीप ही होता है, डियर का डियर ही होता है, ठीक है। तो इसका भी प्लूरल नहीं होता। रानी की वाव, द क्वींस स्टेप वेल विच इज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन, रानी की वाव जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है कहाँ स्थित है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर बी इन गुजरात, ठीक है। गुजरात के पाटन के अंदर ये स्थित है और ये 900 साल पुराना स्ट्रक्चर है और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसका बनाया किसने था, इसको बनाया था उदयमती ने, जो कि बेटी थी खंगेरा ऑफ सौराष्ट्र, जो कि क्वीन थी 11th सेंचुरी चाले के डायनेस्टी की किंग भीम फर्स्ट की, ठीक है। टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर, टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर वर्ष किस में हस्ताक्षर किया था, तो इसकी मैंगलोर की जो आपकी संधि हुई थी ये हुई थी 1784 में, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आपका चला था 1782-84 एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इसमें आपके हैदर जो अली है उसकी डेथ हो गई थी, जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे। और आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चला था, वो आपका चला था 1767-69, ठीक है। यहाँ पे हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास। आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1792-92 और इसमें आपकी हुई थी ट्रीटी ऑफ, ये आपकी ट्रीटी थी सेरिंग पटम, शायद ये स्पेलिंग होनी चाहिए सेरिंग पटम की ये। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 के अंदर, और इसके अंदर आपकी डेथ ऑफ टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, ठीक है। इसमें टीपू नहीं रहा, इसमें हैदर अली नहीं रहा, ये आपको याद रखने हैं। चारों के चारों एंग्लो मैसूर वॉर्स मैंने आपको अभी बता दिए हैं, ठीक है, भूलिएगा मत। वेन वॉज द बैटल ऑफ टुकारोई फोर्ट, टुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया था, तो टुकारोई का युद्ध लड़ा गया था आपका 1575 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बैटल ऑफ तुकाराई किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था आपके मुगल एम्पायर और सल्तनत ऑफ बंगाल एंड बिहार के बीच के अंदर, ठीक है।
विच मुगल एम्परर इम्प्रिजेंट शेख अहमद सरहिंदी? किस मुगल शासक ने शेख अहमद सरहिंदी को कारावास में डाल दिया था? तो वो आपका डाला था जहांगीर ने। तो क्या होता कि इनकी क्या बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि इंक्रीज हो गई थी, तो इनका क्या सेक्ट बहुत ही मजबूत होने लगा, तो इसलिए फिर जहांगीर ने इनको जेल में डाल दिया। लेकिन एक साल जेल में डाले बाद ही इनके फॉलोअर्स ने काफ़ी प्रेशर बना दिया जहांगीर पे, और फिर जहांगीर को इन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन जहांगीर ने फिर इन्हें मिलिट्री कैंप के अंदर ही रखा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध? निन में से कौन सा अवध के अंतिम नवाब थे? ये अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही कर चुके हैं, वाजिद अली शाह, इनके बारे में बता ही चुका हूं। विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म? किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? वो है आपके गुरु अर्जन देव जी, ऑप्शन नंबर सी। तो पॉइंटर ढूंढने मिलो लगो, काम के टाइम पे पॉइंटर और खो जाता है, पता नहीं कहाँ। गुरु अर्जन देव, तो गुरु अर्जन देव जो थे ये पांचवें गुरु थे सिक्स के, एंड ही वाज़ द फर्स्ट ऑफ द टू सिख गुरुज जो कि शहीद हुए थे सिखिज्म के लिए। इन्होंने जो आदि ग्रंथ का संकलन किया, जो बाद में एक्सपैंड होकर गुरु ग्रंथ साहिब भी बना था, ठीक है। और इनकी हत्या किसने करवाई थी? ये जहांगीर ने करवाई थी हत्या, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जहांगीर के ऑर्डर्स पे हुआ था, ठीक है। इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं अपने। आई होप आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।